अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगर ममना खान यूट्यूब चैनल को आपको पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सुबह उठी हूँ, आज बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ। स्कूल छोड़ने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा आराम करती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले बाज़ार के काम करके आती हूँ। थोड़ा सा करीब के बाज़ार में जा रही हूँ, कुछ फ्रूट्स लेने हैं, कुछ घर की सब्ज़ी लेनी है, चिकन विकन लेना है, तो बस चलते हैं और लेकर आते हैं। फिर बच्चों के आने के बाद उनका बनाना करना, किचन का काम, नाश्ता, डब लंच, डिनर, फिर सफाई, बहुत सारे काम होते हैं तो घर से निकलना मुश्किल होता है। आज मुझे थोड़ा सा बच्चे ट्यूशन जाएंगे तो शॉपिंग पे भी जाना है, कुछ ड्रेस लेने हैं, कुछ गिफ्ट करने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। एक मेरी फ्रेंड्स को ज़्यादा करने, किसी की बर्थडे आ गई, किसी की बेबी हुआ है, किसी की बाबा, एक मेरी दोस्त थी उनका बेटा जल गया था, तो मैं अभी तक उस बच्चे को जब से वो उसकी पैदाइश हुई है देखने भी नहीं गई हूँ। तो इंशाल्लाह आज करते हैं तैयारी थोड़ी थोड़ी, और फिर कुछ टाइम निकाल के सैटरडे का डे रखते हैं। जब बच्चे साहब घर होंगे तो हम मैं हो आऊँगी सबके पास। एक मेरी फ्रेंड है माशाल्लाह, उसकी बेटी हुई है दो बेटों के बाद, तो उसके पास भी जाएंगे मिलने के लिए। तो बस किसी की बर्थडे आ रही है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अभी फ़िलहाल घर का किचन का सामान खरीद के लेकर आते हैं और शाम में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो आप साथ रहिए, देखते रहिए क्या क्या लेते हैं, जो भी होगा आपको दिखाऊंगी, आपको साथ रखती हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर आपसे। मैं ले आई हूँ मैं सारा सामान जो भी मुझे चाहिए था। बच्चों के लिए फ्रूट्स लेने थे, चिकन लेनी थी, सब्जी वब्जी वेजिटेबल लेनी थी, भिंडी विंडी सब ले लिए। तो चलें बस अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अब आया भी नहीं उतारा, मैंने कहा पहले चाय बनाती हूँ, फिर आराम से चिल करके पहले चाय पीती हूँ और फिर सारे काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, फिर बच्चों के जाने के टाइम कुछ खाना नहीं होता, जल्दी जल्दी ये होता है कि नहीं बच्चों को भेज दूँ, बच्चों की वेन आ जाए, वेट ना करवाना हो, कोई हमारी वजह से वेट ना करे। फिर आज मुझे बच्चों की फ़ीस जाके फीस वाउचर पे करना था, वो कर कर आ चुकी हूँ मैं। तो बस फिर मैंने कहा चलें अब घर जाते हैं। फिर घर आने के बाद मैं सामान भी ले आई हूँ सारा ग्रोसरी का जो मुझे किचन के लिए चाहिए था। अब पीते हैं पहले चाय और फिर आपसे मिलती हूँ मैं। सामान तो मैंने कहा बाद में धो के अच्छी तरह से वॉश करके फ्रूट कटिंग करके फ्रिज में रखेंगे। सदा थोड़ा सा काट के टाइट उसमें जार में रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाने में आ जाता है। बाकी फ्रूट्स ये केले वेले तो नहीं जाएंगे, ग्रेप्स और मैंगोज़ और ये टमाटर ये सारे वॉश करके रखूँगी। मैंने कहा जब तक चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर बिज़ी हो जाऊँगी, सफ़ाई भी करनी है। मेन मसला मेरा सफ़ाई का होता है, वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगती, कभी की नहीं है मैंने सफ़ाई ना, लेकिन चलें फिर भी कर लेती हूँ सारे काम, और खुद से करते हैं तो बहुत अच्छे काम होते हैं। बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर मैं निकल चुकी थी अपनी शॉपिंग पे, जो मुझे काम थे सारे बाहर के करने के, तो मैंने सोचा चलें जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए जाएं, क्योंकि बच्चों के आने से पहले पहले मुझे घर आना था। और ये बहुत मज़े की शॉप थी, इसके ऊपर होम डेकोरेशन का कंप्लीट सामान था। आप किसी भी तरह का अपने घर में डेकोरेशन करना चाहते हैं, साइड पे नाइट बल्ब लगाना चाहते हैं, कुछ भी है। मुझे मिरर लेना था, मुझे ये मिरर पसंद आया था, तो बस मैंने चेंज भी नहीं किया था, तो मुझे समझ नहीं आया। मैं कहा जल्दी से अबाया पहनते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को आना होता है। फिर मैं चली गई गुल अहमद के ऊपर, आइडियाज़ के ऊपर बहुत अच्छी और ज़बरदस्त मज़े वाली सेल थी, बट सेल में इतना ख़ास कुछ नहीं था क्योंकि लास्ट डे था, मैं लेट पहुंची थी, काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके थे, संडे को लास्ट होता है, तो फिर वो इतना ख़ास कुछ था नहीं। तो मुझे जो कुछ लेना था मुझे अच्छे रेट्स में उसके बावजूद भी सूट मिल गए थे जो मुझे लेने थे गिफ्ट के तौर पे। मैंने कुछ ड्रेसेस देख लिए, कुछ बैग देख लिए इस तरह से, क्योंकि देखो लेना देना होना चाहिए, और एक दूसरे से लेने देने से खुशियाँ बढ़ती हैं और मोहब्बतें कायम रहती हैं। ये नहीं होता कि कोई हमें दे या हम उसे दें तो उसे ज़रूरत है या नहीं, ये छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं कि चलो कोई आता जाता है तो एक अच्छी दोस्त फ्रेंड्स के लिए कुछ ले जाए इंसान। मेरी एक दोस्त बाहर से आई हुई है यूके से,
उनकी नेक्स्ट डे फ्लाइट है, तो उनके लिए भी मुझे शॉपिंग करनी थी। और फिर ये तुर्किश स्टेशन था, यहाँ बच्चों के साथ गेम्स खेले जा रहे थे, तो मैंने भी खड़े होकर थोड़ा सा अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो बना ली। मैंने कहा चले बच्चे को वो खिला रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे वो तुर्की सॉन्ग लगा हुआ था तो सब लोग इंजॉय कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, मैंने भी बड़ा इंजॉय किया। और कुछ मुझे वेस्टर्न सूट लेने थे अपने लिए, तो बस वो भी मैंने देखे। अपने लिए तो इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं की है, हाँ ये कि शॉपिंग हुई है फ्रेंड्स के लिए, ज़्यादा इस दफ़ा शॉपिंग हुई है, देना लेने के लिए मैंने शॉपिंग की है। तो लेट्स सी, देखिए आप लोग। Be your star tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. मॉल के अंदर ही ये बॉम्बे बेकरी थी जिसके ऊपर बिल्कुल फ्रेश आइटम्स होते हैं बेकरी के, तो मैंने यहीं से बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली थी। और फिर यहाँ पे गुलाब जामुन बहुत अच्छे मिलते हैं सलाद के लिए, वो लिए। मेरे और साहब के लिए गन्ने का जूस लिया, थक गई थी। इंशाल्लाह फिर आने के बाद अपलोड भी करना होता है, एडिट भी करना होता है, तो एक नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। लाइक और बेल का बटन दबा दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी आप सबसे, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।